हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओप्पो F17 के डिस्प्ले लाइट सेक्शन के बारे में, जो किस प्रकार वर्क करता है। तो हमारा जो डिस्प्ले लाइट सेक्शन है ओप्पो F17 का, तो ये हमारे यहाँ पे 5 सप्लाई दी हुई है दोस्तों। तो आपको इन सप्लाई पर रीडिंग लेना है, और रीडिंग ना आए तो आपको इस प्रकार आप जम्पर कर सकते हैं, जिस तरीका से मैं आपको ट्रैक दिखा रहा हूँ वीडियो में देख कर। तो ये हमारी कुछ सप्लाई दी हुई हैं। तो ये जो हमारी सप्लाई है कहाँ से किस प्रकार जा रही है, तो ये हमारी एक सप्लाई है ELBSS की, तो इस IC के इस पॉइंट पर आई हुई है। और ये हमारी दूसरी जो सप्लाई है वो दो कैपेसिटर के द्वारा, तो ये हमारे ELVDD की सप्लाई है। तो ये सप्लाई के द्वारा हमारी कहाँ पर जा रही है, तो ये हमारी एक कैपेसिटर लग के और IC के इस दो पॉइंट पर आई हुई है, जो कि ELVDD की सप्लाई है। और ये हमारी जो ऑरेंज कलर से दी हुई सप्लाई है, तो इस ऑरेंज कलर की सप्लाई दोस्तों हमारी ELVDD की सप्लाई। तो इस लाइन में आपको एक कैपेसिटर लगा हुआ है, और ये कैपेसिटर लग के सीधा हमारे इस IC के एक पॉइंट पर आया हुआ है। और ये हमारी दो दो सप्लाई हैं दोस्तों, और ये दोनों सप्लाई हमारी वो भी कहाँ जा रही हैं, तो ये दोनों सप्लाई भी हमारे दोस्तों देखो इस IC के अंदर ही आई हुई हैं। तो ये हमारी जो लगभग सारी सप्लाई इस IC के अंदर आई हुई हैं, जो कि हमारी डिस्प्ले लाइट IC है। तो इस IC को आपको चेक करना है, अगर आपकी डिस्प्ले ना आए, लाइट ना आए तो। और जो हमारी BPH पावर की सप्लाई कहाँ से आ रही है, तो वो आपको मैं चेक करा देता हूँ। तो हमारा जो BPH पावर की सप्लाई जो IC को वोल्टेज के लिए काम करता है, जो हमारा IC के वोल्टेज बनाने का काम करता है, तो ये हमारे यहाँ से BPH पावर की सप्लाई आ रही है। तो जो हमारे इस IC का महत्वपूर्ण योग है इस लाइट सेक्शन में, तो ये हमारी जो IC है यहाँ से हमारा वोल्टेज मिलता है। थैंक यू दोस्तों।